नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं डॉक्टर पवन तिवारी आज आपके सामने वर्णमाला के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और अभी तक हम लोगों ने जिन दो लेक्चर पर बात किया है उसमें हम लोगों ने वर्णमाला से संदर्भित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी थे। कल दूसरे लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसी दौरान थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी क्लासेस बाधित हो गई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आइए आज की हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कल से आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्णों के उच्चारण आधार पर, वर्णों का आधार या आप ये भी कह सकते हैं वर्ण का आधार। अगर हम वर्ण के आधार पर बात करें तो इस आधार पर हम इसको तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। आज का जो आपका ये लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से आपके तमाम डाउट्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला है आपका उच्चारण आधार। अगर हम वर्णों के उच्चारण आधार पर बात करें तो वास्तव में ये उच्चारण आधार 9 हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि उच्चारण आधार कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण आधार 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूं, पूछता है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न या रीति के आधार पर। प्रयत्न या रीति के आधार पर वर्ण, तो प्रयत्न या रीति के आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और एक और पॉइंट पर बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है तीसरा वर्ण भेद। अगर वर्ण भेद के आधार पर हम बात करें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इस आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके इनको जानते जाएंगे और आप इनको समझते जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस पहले आधार पर। परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि वर्णों का उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है, ये जानते रहिएगा। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्णों के उच्चारण आधार पर। वर्णों का उच्चारण आधार, अगर इस आधार पर हम बात करें तो वर्णों का उच्चारण आधार कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है, जिस पर हम बात करने चल रहे हैं। ये 9 जरा ध्यान से देखिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है
दंत्योष्ठ, सातवां है नासिका, आठवां है कंठ तालव्य और नौवां है आपका कंठोष्ठ। ये नौ आपके उच्चारण स्थान हैं जिनके बारे में हम बात करने चल रहे हैं, लेकिन इन उच्चारण स्थानों के बारे में हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम ये न जाने कि वास्तव में हमारे मुख विवर से ये कहां कहां से ध्वनित होते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक चित्र बना करके पहले ये स्पष्ट कर दें कि वास्तव में इनका उच्चारण स्थान होता क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं और अगर इस चित्र में कोई कमी आती है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने बना दिया एक मुख और इस मुख में ये है आपका ऊपर का दांत और ये है आपका मूर्धा। दांत का जो मूल स्थान है जहां से दांत निकला हुआ है, चलिए कोई बात नहीं नरसिंह जी, ध्यान से देखिए इसको। आप लोगों का स्वागत है, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑनलाइन आएं जिससे कि हम सभी का उत्साहवर्धन हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां उच्चारण स्थान पर बात कर रहे हैं। अगर मूलतः उच्चारण स्थान की बात करता है, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है आपका दंत। ये जो मसूढ़ा है इसी को हम कहते हैं मूर्धा। दांत का और मसूढ़े का जो ये जड़ भाग है इसी को हम कहते हैं वर्त्स। ये ऊपर का जो ओठ है इसको हम कहते हैं उत्तरोष्ठ और नीचे वाले को कहते हैं अधरोष्ठ और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ओष्ठ। अब ये देखिए, हमारे मुख के अंदर का ऊपर का चिकना हिस्सा, ये इसे हम कहते हैं ताल। देखिए, हमारे मुख विवर में दो नलियां हैं। नीचे वाली जो नली है इसको हम कहते हैं आहार नाल और जो ऊपर वाली है इसको हम कहते हैं स्वर नाल और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कंठ। तो मूलतः आपके जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, थैंक यू सुमन जी। अगर मूल उच्चारण स्थानों की बात की जाए तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है आपका कंठ, दूसरा है आपका ताल, तीसरा है आपका मूर्धा, चौथा है आपका दंत और पांचवा है आपका ओष्ठ। ये पांच आपके मूल उच्चारण स्थान हैं। वर्ष कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है, लेकिन चूंकि हिंदी में वर्णों को बोलते समय हमें इस स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। फिलहाल पांच आपके मूल उच्चारण स्थान होते हैं और अगर कुल उच्चारण स्थानों की बात की जाएगी तो कितने होते हैं? नौ होते हैं। परीक्षा में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? नौ। इतना तो क्लियर है ना कि नौ उच्चारण स्थान होते हैं ना? कहीं कोई दिक्कत बताइए। सपना जी गुड मॉर्निंग, नरसिंह जी गुड मॉर्निंग, सुमन जी, परमानंद जी, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उत्साहवर्धन तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग होगा, तो इस सहयोग को बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि कहां कहां से ध्वनियां उच्चरित हो रही हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस पर अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा उच्चारण स्थान कहां कहां क्या क्या है। कि ये जो उच्चारण स्थान के आधार हैं जो नौ, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं। तो मैंने ये जो नौ आपके हैं इसमें आपका पहला क्या था, कंठ। कंठ के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं। यहां ध्यान रखिएगा, मैं स्वर और व्यंजन को अलग अलग नहीं कर रहा हूं, सबको साथ में लेकर के चल रहा हूं। तो इसी आधार पर नौ होते हैं, केवल मैं वर्णों की बात कर रहा हूं, स्वर और व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, कंठ के अंतर्गत आपका क्या आता है, अ आ क ख ग घ। और आपका आता है इसमें ह। ये सब क्या हैं, आपकी कंठ ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण कहां से होता है, हमारे कंठ से होता है। आगे हम और बात करेंगे विस्तार से, अभी हम नाओ के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका ताल। ताल के अंतर्गत आपका आता है छोटी ई बड़ी ई च छ ज झ, और आपका आता है इसमें तालव्य शय। इसके बाद आपका है मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत आपका आता है री ट ठ ड ढ र। ये मूर्धा है, मूर्धा हमने आपको दिखाया था। इसके बाद आपका आता है दंत। दंत में आपका आता है त थ द ध ल स। इसके बाद आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपका आता है उ बड़ा उ और प फ ब भ। ये आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका आता है दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ में आपका आता है व। इसके बाद आपका आता है नासिका। नासिका में पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण आते हैं अंग इय
अड़ और आपका अंग अनुस्वार भी आता है। इसके बाद आपका आता है कंठ तालव्य, इसके अंतर्गत आपका आता है ए ऐ, और अंतिम है आपका कंठोस्थ्य, इसके अंतर्गत आपका आता है ओ औ। ये मूल आपकी वर्णमाला का हमने वर्गीकरण किया कि कौन कौन कहां कहां से बोला जाता है वर्ण, और मुझे लगता है कि आप इसमें समझ गए हैं। ये नौ उच्चारण स्थान है जिसके बारे में हमने बात किया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता था कि जो नौ आपके मूल उच्चारण स्थान हैं वो कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये इतने वर्ण अगर कभी भी पूछे जाएंगे तो ये मूल वर्णमाला के उच्चारण स्थान हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आधार पर, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत? हाँ कैसे भी समझ लीजिए दिव्या जी, आना चाहिए बस। यह तो तालब्य में आ जाएगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। मंजू जी यह तालब्य में आएगा और श जो आपका है यह मूर्धन्य में आएगा। तो अभी चूंकि मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा था कि कैसे कैसे वर्ण जो है इस तरह से आते हैं, अभी हम विस्तार से आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा किस वर्ग में रखा जाता है। अभी मैं आपको केवल जनरल वे में बता रहा था कि वास्तव में ये नौ उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कैसे कैसे वर्ण इससे बोले जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न के आधार पर चाहे प्रयत्न के आधार पर हो या रीति के आधार पर हो, या फिर इसकी जगह पर एक और वाक्यांश भी दिया जा सकता है, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अगर इनके अनुसार अगर बात की जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए सपना जी, तो फिर मैं ट्रिक के बारे में भी बात करूंगा, आप ट्रिक के लिए परेशान मत होइए। पहले आप वर्णमाला को सही तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद करनी थी, नौ उच्चारण स्थान, और नौ उच्चारण स्थान के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है ना? तो अभी आगे हमको पढ़ाने दीजिए, उसके बाद फिर आपके अंदर से सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रयत्न या रीति के आधार पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका आभ्यांतर प्रयत्न, और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न।
आभ्यांतर का अर्थ होता है अभिधन अंतर। विशेष रूप से जब हम वाणों को बोलते समय अपनी अपने अंदर जो मुख के अंदर जो हलचल पैदा होती है, आंतरिक प्रयास जो हमारे द्वारा किया जाता है वही क्या कहलाता है? आभ्यांतर प्रयत्न। आभ्यांतर प्रयत्न का मतलब होता है मुख के अंदर से किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। बाह्य प्रयत्न का अर्थ होता है बाहरी प्रयास। आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों को चार भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला उन्होंने बताया है विवृत, दूसरा बताया है स्पृष्ट, तीसरा बताया है ईषद विवृत और चौथा बताया है ईषद स्पृष्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है, चूंकि यह वर्गीकरण हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य कामता प्रसाद गुरु का है और इसी वर्गीकरण को हिंदी आचार्यों ने मान्यता प्रदान किया है। तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर विवृत की बात करेगा, स्पृष्ट की बात करेगा, ईषद विवृत की बात करेगा तो और ईषद स्पृष्ट की बात करेगा तो वास्तव में इन सबका मतलब क्या होता है हमें इस पर भी बात करना है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका घोष वर्ण, इसी को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। और दूसरा है आपका अघोष वर्ण। क्या है? अघोष वर्ण। तो ये इस तरह से इन्होंने विभाजित किया है। अब हमें यह देखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, तो इनका पहले हम अर्थ जान लेते हैं। विवृत का मतलब हुआ होता है खुला हुआ, विवृत माने खुला हुआ। स्पृष्ट का मतलब होता है बंद। ईषद का मतलब होता है आधा और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होगा? अर्ध खुला। और ईषद स्पृष्ट का अर्थ होगा अर्ध बंद। अब हमें यह देखना है क्या खुला और क्या बंद रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? विपरीत माने खुला हुआ? नहीं नहीं दिव्या जी, वो संस्कृत की बात आप कर रही हैं, उसमें समृद्ध विपरीत इस तरह से आता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहां संस्कृत में जो आपका ईषद विवृत है वो हमारे यहां हिंदी में ईषद स्पृष्ट है। इसलिए संस्कृत को हिंदी के साथ अगर जोड़ करके कोशिश करेंगे जानने की तो न तो संस्कृत जानने लायक रहेंगे न तो हिंदी। इसलिए चीजों को समझिए कि वास्तव में ये हिंदी का बेस क्या है। हिंदी में जिसे आपके यहां संस्कृत में य र ल व ये सब किसमें है? ईषद स्पृष्ट में है। हमारे यहां यर लव ईषद विपरीत है, ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम? अभी मैं आगे बता रहा हूं तो आपके सामने चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल इन्हीं चार पर हम बात करेंगे, नहीं तो ज्यादा आप इधर सकते में आ जाएंगे, ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे। तो आइए हम सीधे सीधे केवल इन चार पर बात करते हैं कि ये वास्तव में है क्या। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, एकदम बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डाउट के पूछिए और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने आभ्यांतर प्रयत्न की अब हम बात करेंगे। यह ध्यान रखिएगा, कभी भी आभ्यांतर प्रयत्न की बात करेंगे हम
परीक्षा में पूछा जाता है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा दो प्रकार के, घोष वर्ण अघोष वर्ण। अगर पूछा जाए अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा चार प्रकार के, पांच नहीं बताएंगे। फिर एक बार समझा दे रहा हूं, वो संस्कृत की चीज है और संस्कृत को हिंदी में घसीटने की कोशिश मत करिएगा। चार प्रकार के होते हैं और चार का मतलब सिर्फ चार होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था पहला क्या बताए थे, विवृत। दूसरा बताया था मैंने स्पृष्ट। तीसरा मैंने बताया था ईषद विवृत। और चौथा मैंने आपको बताया था ईषद स्पृष्ट। मैं यहां पर यह साबित करने चल रहा हूं कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने इनको इस रूप में क्यों रखा। हाँ ठीक है नरसिंह जी, कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको बताया, यहां देखिए, जब मैं एक चित्र बनाया था, एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये जो मैंने चित्र बनाया है, मैंने यहां पर आपको दो नलिकाएं दिखाई थी, एक ये और एक ये, ठीक। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली नली को हम क्या कहते हैं, आहार नाल, और ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, स्वर नाल। इसीलिए स्वर नाल को ही हम क्या कहते हैं, वायु नाल। इसी को हम कहते हैं काकल, और इसी को हम कहते हैं स्वरयंत्र। तमाम नामों से यह जाना जाता है, ठीक है ना। तो जब नीचे वाले नलिका से उच्चारण होता है तो ये कहलाता है कंठ, और जब ऊपर वाले से उच्चारण होता है तो ये कहलाता है स्वरनाल, वायुनाल, कांकल या स्वरयंत्र। आप जानते हैं व्यंजनों में क ख ग घ का उच्चारण आहार नाल से होता है, नीचे वाली नली से होता है, जबकि जितने स्वर हैं आपके या व्यंजनों में, एक व्यंजन आपका ह है, ह को आप जानते हैं, ह को हम स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहते हैं, ह को हम वायव्य व्यंजन भी कहते हैं, और ह को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। तो इन तमाम नामों से भी हम ह को जानते हैं, क्यों जानते हैं पता है आपको, सिर्फ इसलिए क्योंकि ह का उच्चारण हम स्वरयंत्र से करते हैं, ऊपर वाली नली से करते हैं। व्यंजनों में इकलौता व्यंजन है जिसका उच्चारण स्वरयंत्र से होता है, जबकि क ख ग घ का उच्चारण आहार नाल से होता है। आप एक बार क बोलिए और एक बार ह बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाली नली से ध्वनियां उच्चरित हो रही हैं क ख ग घ क ख ग घ की, कि ऊपर वाली से। एक बार क बोलिए फिर ह बोलिए, क ह, ह की ध्वनि ऊपर वाली नली से आ रही है, क की ध्वनि नीचे वाली नली से आ रही है। हैं तो दोनों कंठ है, लेकिन दोनों में अंतर है, और इसी वजह से ह को हम स्वरयंत्र मुखी व्यंजन, काकल्य व्यंजन, वायव्य व्यंजन, शहीद वर्ण तमाम नामों से भी जानते हैं। जी सुमन जी, शहीद वर्ण भी इसे कहते हैं, और ध्यान रखिएगा व्यंजनों में ह इकलौता शहीद वर्ण है। क्यों है? क्योंकि ह का उच्चारण जो है हम स्वरयंत्र से करते हैं। ह जिंदगी भर इस गलत पामी में जीता रहता है कि वह स्वर है, लेकिन रह जाता है अंत में वह व्यंजन ही, और स्वर बनने की इस दिशा में बेचारा शहीद हो जाता है और रह जाता है व्यंजन ही। प्रयास लगातार करता रहता है क्योंकि स्वरयंत्र से उसका उच्चारण होता है। इसके अलावा अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वरों में अ आपका शहीद वर्ण है। अ को शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है? कोई भी व्यंजन हो, जब इसके साथ हम अ को मिलाते हैं तो वह पूरा पूर्ण मात्रिक वर्ण बनता है। जी, संघोषित व्यंजन भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अ का उच्चारण करने में अपने अस्तित्व को मिटा दे रहा है,
और इस वजह से यह माना जाता है, यहां अ छिप जाता है क के साथ मिलने पर, इसी वजह से अ को हम शहीद वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि स्वरों में अ शहीद वर्ण है और व्यंजनों में ह शहीद वर्ण है, तो ह और अ दोनों शहीद वर्ण हैं। फर्क इतना है कि अ स्वर है और ह व्यंजन है। कहीं कोई दिक्कत बताइएगा, परमानंद जी, नरसिंह जी, सुमन जी, बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? हाँ दिवाकर जी बताइए जी, काय और कैसा काय और है? हाँ, क की ध्वनि कंठ से और ह की ध्वनि स्वरयंत्र से। तो ध्यान दीजिएगा, विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ, विपरीत माने खुला हुआ, और क्या खुली रहेगी? स्वरनाल। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी ऊपर वाली नली खुली रहती है, उसे ही हम कहते हैं विवृत वर्ण। और आप जानते हैं कि विवृत वर्ण के अंतर्गत जितने स्वर हम बोलते हैं हमारे इसी स्वरनाल से निकलता है, इसी वजह से सभी स्वरों को हम विवृत के अंतर्गत रखते हैं। सभी स्वरों को हम क्या कहते हैं? हाँ कोई बात नहीं दिव्या जी, लेकिन ये जान लीजिए कि अ अभी शहीद वर्ण है और ह भी शहीद वर्ण है। अ की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह स्वर है, ह की विशेषता होती है यह व्यंजन है। तो परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न पूछता है तो आप भी इसका भी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। अभी तो हम आगे बात करने चल ही रहे हैं, अभी तो वर्णमाला की शुरुआत हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। अब आप समझ गए हैं ना दोनों नली का उच्चारण स्थान? बोलिए। तो ठीक है, अब हम आपको यही दिखाने चल रहे हैं वर्णों के साथ कौन क्या है। अभी तो सारी चीजें बची हुई हैं, अभी तो आपने वर्णमाला शुरू किया है केवल। तो विवृत में क्या होता है? स्वरनाल खुली रहती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। स्पृष्ट का अर्थ होता है बंद, स्वरनाल बंद रहती है, स्वरनाल बंद रहती है। इसके अंतर्गत आपका स्पर्श व्यंजन आता है। आगे हम स्पर्श आदि के बारे में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ आपको अभ्यांतर प्रयत्न समझा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? क से म तक, क से म तक ये सभी क्या हैं? आपके स्पर्श व्यंजन हैं। और इनका उच्चारण करते समय कभी भी स्वर यंत्र से ध्वनियां नहीं निकलती हैं। क ख ग घ का उच्चारण करते हैं तो ध्वनियां कहां से निकलती हैं? आहार नाल से, कंठ से निकलती हैं। तो इस नाते से जितने भी वर्ण हैं इसमें स्वर यंत्र का कहीं कोई रोल नहीं रहता है, भूमिका नहीं रहती है। इस वजह से इसको हम स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट का अर्थ होता है बंद। ईसत विवृत, ईसत माने आधा, विवृत माने खुला हुआ। इसमें स्वरनाल आधी खुली रहती है, आधी खुली रहती है। अब स्वरनाल आधी खुली रहेगी और आधी बंद रहेगी। तो आप जानते हैं य र ल व को पहले विद्वानों ने अर्धस्वर माना था। इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। संस्कृत में यह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है ईसद विवृत, तो इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ईसद विवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ, कम माने आधा, आधा खुला आधा बंद, ठीक है ना जी। तो देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? य र ल व, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है?
जरा देखिए इसको क्या हो गया। हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो जा रहा है, ईषद विवृत की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, स्वरयंत्रियां आधी खुली रहती हैं और आधी बंद रहती हैं। इनके अंतर्गत आपका य र ल व आता है। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो ध्वनियां आधी हमारे स्वरयंत्र से निकलती हैं और आधी नहीं निकलती हैं। इसी वजह से विद्वानों ने इन चारों को अर्धस्वर माना था, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने केवल य और व को ही अर्धस्वर की संज्ञा दी थी। तो इसलिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा दो। कहीं कोई दिक्कत नरसिंह जी बताइएगा, सुमन जी। तो अर्धस्वरों की संख्या दो ही होती है, हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने चार भी माना है, लेकिन अब केवल दो ही मानी जाती है। क्योंकि इनका उच्चारण कैसे होता है, न तो स्वर की तरह होता है न व्यंजन की तरह होता है, बल्कि दोनों को मिला करके होता है। तो आधा स्वर की तरह उच्चरित होते हैं, आधा व्यंजन की तरह उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है ईषद स्पृष्ट। इसमें क्या होता है, ईषद माने आधा, स्पृष्ट माने बंद। मुख आधा बंद रहता है, मुख आधा बंद रहता है। अब स्वरनाल से कोई लेना देना नहीं, इनका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है। और इनके अंतर्गत क्या आता है, आपका उष्म व्यंजन आता है। हम अभी व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ आपको आचार्य कामता प्रसाद गुरु का यह वर्गीकरण बता रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पूछ लिया प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। अगर पूछ लिया रीति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। अगर आपसे पूछ लिया कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विवृत वर्ण और स्पृष्ट वर्ण, ईषद विवृत वर्ण, ईषद स्पृष्ट वर्ण। तो उष्म व्यंजनों में आप जानते हैं आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आता है। तो इन चारों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुला और आधा बंद रहता है, इसी वजह से हम इनको ईषद स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। इनको उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। और इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो फिलहाल ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत ये चार आपके हैं। तो ये आपका आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार या रीति के अनुसार या प्रयत्न के अनुसार वर्णों का मैंने पहला विभाजन किया आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब आइए हम चलते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर
बाह्य प्रयत्न के आधार पर अगर बात करें तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, घोष वर्ण या सघोष वर्ण, और दूसरा है आपका अघोष वर्ण। अब हमें इसी पर चर्चा करना है और हम अपने इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कल, क्योंकि आज की समय सीमा आपकी समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितना आपको बताया है उतना आपको समझ में आया। एक और महत्वपूर्ण चीज, आप ये मत समझिएगा कि अभी हमने व्यंजन आपको पढ़ा दिया, स्वर पढ़ा दिया, अभी तो सारी कहानी बाकी है, अभी तो सिर्फ पृष्ठभूमि बनाया हूं आपको आगे बताने के लिए। अभी हम एक एक वर्ण का एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करेंगे, और हो सकता है कि कल का दिन या जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें काफी हद तक आपके सामने ये सारी चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएं। तो आप इन सारे एपिसोड्स को देख डालिए जो वर्णमाला के संदर्भ में हैं, और आपके अंदर यकीन मानिए कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है आप सबके प्रति। तो इसी के साथ मैं लूंगा आप लोगों से विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।